Um, इस सारी जर्नी में यू एक्सपीरियंस बहुत कुछ बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस एक्सपीरियंस जो कि जेल का था सो so, पहली चीज़ तो आपकी है फिजिकल कंडीशंस ठीक है जो फिजिकल कंडीशन जो है वो खुद नॉट एक्जैक्टली आप सरीना के स्वीट में तो नहीं है वो आ, कमरे तकरीबन दोनों एक्चुअली मैंने चार मुख्तलिफ जगह की हॉस्पिटेलिटी इंजॉय की एक रात कोर्ट लखपत दिए फिर उसके बाद नौ रातें राजनपुर जेल फिर एक रात सेक्रेटेरिएट थाना इस्लामाबाद और उसके बाद चौदह रातें अडियाला जेल तो चार मख पच्चीस दिन टोटल तो जो जेल थे वो फिज़िकली तकरीबन एक ही जैसा लेआउट था एंटर हो एक तरफ जो है वो इतना ज़मीन से कोई दो फुट ऊपर होगा एक सीमेंट का स्लैब है लकीली वो सीमेंट का स्लैब जो है वो तकरीबन तकर फुट का था दोनों जगह पे वरना मुझे जो सबसे पहला काम में जब राजनपुर में ना किया ना, मैंने एक, एक सेकंड उसको रोक जाओ मैंने लेट के देखा मेरी टांगे पूरी बेटा कि नहीं सो so, so वो सो uh, so वो है उसके बाद जरा सा कोई एक डेढ़ फुट का गैप है फिर एक दीवार है कुछ चार फुट बाय चार फुट की दीवार है उसकी तरफ जो है आपकी वो टॉयलेट है दीवार सिर्फ तो चार फुट चार फुट की है और लेफ्ट साइड के ऊपर एक छोटा सा सीमेंट का स्लैब है वो समझ लेंगे आपके टेबल के काम दे वहां पे पानी की बोतल रख ली है कुछ ऐसा कर सो so वो है टोटल जो मेरा वॉकिंग वो तो मैं वॉक करता था वहां से तो इसलिए मैंने मैं मेजर किया फुट तो मुझे नहीं पता मेरे साढ़े स्टेप्स में मैं एंड में पहुंच जाता था राइट और गदे वे जो हैं वो कोई मिलते नहीं बेड बेड साफ होता था साफ 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 था सफाई का कोई इशू नहीं था एटली जहां पे मैं ठहरा वहां पे सफाई का इशू नहीं था वहां पर भी मुझे वो एक दिन सुबह उठा संतरी ने बोला जी वो रात को आए हुए थे दो बजे जो है इंस्पेक्शन करने आए थे मैंने दो बजे क्या इंस्पेक्शन कर रहे आए आए थे थे कहा देखने हुए हमने आपको कोई गद्दा तो नहीं दे दिया है कोई कुर्सी तो नहीं आपको तो मिल गई सो so, लेकिन वो फिजिकल कंडीशन जो है ना वो कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होती वो एडजस्ट करना जो है वो बट इस मेरे कैसे मुझे तो कोई खाना खाना भी मैं तो खाने के वो बुरा नहीं होता खाना उनका वो भाई मुझे आई टोल्ड कि वज हमारी हुकूमत जो थी पंजाब की उस वक्त ये खाने की क्वालिटी इंप्रूव की गई है सर बहुत ऑयली ज्यादा होता है मतलब हमारे तो टेस्ट का नहीं होता खाना लेकिन खाने में सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम होता था बहुत ज्यादा होता है खाना और राजनपुर जेल के भी जो लोग थे और अडियाला वाले भी दोनों उनको सिर्फ मेरी एक चीज पे एतराज था वो दोनों जगह मुझे सर आप खाते ही कोई नहीं है <laughs> इतना खाना था बट क्या ओके सो ये फिजिकल वाला पार्ट जो है ना वो जो मेरे साथ हुआ ये सारे इस पीरियड के अंदर ये 25 के 25 दिन रातें जो मैंने गुजारी ये सब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी अडयाला वाला तो वो डेथ रो सेल है आ, तो वो जो है कि आप को कोई इंटरेक्शन नहीं है लोगों से वो ज़रा ज्यादा चैलेंज होता है अच्छा उसकी अच्छी चीज़ ये है ज्यादातर तो मैं अपने जो कॉलीग बाकी जो गए वो सबको सोने में बड़ा प्रॉब्लम होता था अच्छा मैं तो इतना नहीं है इसलिए पता नहीं आई डोंट नो क्या सोचते ज्यादा थे ज़्यादा मेरे महरिब अल्लाह अ ने मुझे बहुत मुख्तलि तरीकों से नवाजा है

उन्होंने कहा कि जेल की लाइब्रेरी से आपको मिल सकती है मैंने उनसे कागज पेंसिल मांगा मैंने कहा यार कागज पेंसिल दे दो राजनपुर मैंने कहा कागज पेंसिल दे दो तो तो सर वो तो नहीं मिल सकते मैंने कहा यार एक आर्टिकल बड़ा मुझे <laughs> आर्टिकल मैं बताता आर्टिकल क्या था तो कहता नहीं सर वो तो सर नहीं हो सकता मैंने कहा क्यों नहीं भाई क्या होगा कहता सर जो भी लिखेंगे हमारे खिलाफ ही लिखेंगे हमारे लिए मुसीबत आई ये नहीं कर सकते तो आर्टिकल में ये लिख रहा था कि क्या वजह है कि एक आदमी जो एमरेट्स की फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता था वो 12 घंटे कैदी वैन में बंद लाहौर से राजनपुर सफर कर रहा था और जो सरीना के स्वीट्स में ठहरता था वो इस राजनपुर के जेल सेल के अंदर बैठा हुआ है What driven? क्या वॉट है कि वो यहां से इधर पहुंचा हुआ है सो सो वो चैलेंज सिर्फ ये है कि अच्छा उसके अंदर ने नेगेटिव थाट्स आते हैं लेकिन इट्स क्या इंसान के दिमाग की ताकत क्या चीज है आप वही जेल सेल है वही फिजिकल कंडीशन है और आपने नेगेटिव बात सोचनी शुरू की और आपकी फिजिकली भी आपको अजीब लगना शुरू हो जाएगा अब कुछ भी नहीं बदला सिर्फ आपने दिमाग में क्या स्टार्ट फीलिंग बेटर ये इतनी पावर है ह्यूमन माइंड की अच्छा जिस तरीके से मैंने वो पहला था राजनपुर का एक्सपेरिमेंट वहां से डील किया ना तो मैंने उसको दो डिफरेंट तरीकों से एक पहले मुझे एक आइडिया आया और फिर मुझे उस मैंने उसको फर्दर इंप्रूव किया पहला आइडिया ये था कि यार जो माउंट एवरेस्ट पे या केटू को के ऊपर जाता है तो वो ऐसे कुछ हफ्ते अकेला होता है ना हार्श कंडीशन उसको ये नहीं पता कि जिंदा रहेगा या बच जाएगा मेरा तो यहां पे नहीं है यहां पे तो कोई ऐसा कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है तो ये मेरा केटू है ये मेरा माउंट एवरेस्ट है ठीक है ना मैं चंद हफ्ते जो है इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए लगा रहा हूं लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे उससे भी बेहतर आइडिया आया वो टेल यू सब जहन में सिर्फ जेल की कंडीशन में ना सोचें इसको इसको अपनी लाइफ के अंदर सोचें मैंने कहा यार अगर खुदा ना खासता मुझे कोई टर्मिनल बीमारी हो जाए और मुझे कोई आके कहे कि इसका इलाज ढूंढ लिया गया है। और इसका इलाज यह है कि आप तीस दिन राजनपुर के जेल में जाके सॉलिटरी कंफाइनमेंट में चले यही जेल का सेल होगा अच्छा और ना? मैं कितनी खुशी खुशी आऊंगा और यह मुझे कितना अच्छा लग रहा होगा कोई फर्क नहीं होगा जेल सेल में

आप ये समझ लें कि दिन को आपने ब्रेक कैसे करना है आपकी आ, जो मील्स हैं, एक वो हो गया ना, दूसरे आ, आ, जो नमाज है वो माइल स्टोन है इसलिए सबसे मुश्किल टाइम जो है ना वो है जेल के अंदर वो फजर और जोहर के दरमियान बिकॉज वो सबसे लंबा पीरियड है अदर देन ईशा और फजर के दरमियान बट उस वक्त तो आप सो जाते हैं हाँ। सो ये वाला जो पीरियड है ना सबसे ये अब पीरियड आपने जो है ना गुजारना है अदरवाइज फिर वो जोर आई फिर असर आई मगरब आई ईशा आई एक माइल स्टोन आते रहते हैं तो उससे दिन पेस हो जाता है इसी तरह और बाकी जो है वॉक आपने करनी है जितनी आपके पास स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर आपने वॉक करनी है और आपने पढ़ना है आ, कुरान पढ़ें किताबें पढ़ें बेसिकली ये दिन है आपका और जो अल्टीमेट okay. जो अयाशी की इंतहा जो आपके साथ जो अल्टीमेट अच्छाई हो सकती है जेल में वो जैसे संतरी आके बोले कि सर मुलाकात आई है इज़ so अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपका खास तौर पर तो आपकी बीवी आपसे मिलने के लिए आई हुई है तो या बच्चा आपका मिलने के लिए आया हुआ आपके लिए वो हाईलाइट है